अस्सलाम वालेकुम शबसात, आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। सुएस हुक्काम को खत, वजीर आजम को 18 सितंबर तक मोहलत मिल गई। राजा परवेज अशरफ को दोबारा पेश होने का हुक्म। अदालती फैसलों से इनकार करने वालों में नाम नहीं लिखवाना चाहता राजा परवेज अशरफ। आप आज खत लिखने का वादा करें, मदद हम करेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं एनआरओ के इस मोहलत पर मोहलत अदलिया और कौम से मजाक। हुकूमत अदालतों का एहतराम करती तो हालात मुख्तलिफ होते। नए सूबों का क्याम चाहते हैं लेकिन हमारी हुकूमत ने कौमी कमीशन पर मुशावरत नहीं की। हज करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद कासमी की जमानत मंजूर, फौरी रिहाई का हुक्म। कराची में टारगेट किलिंग जारी, आज मारे जाने वालों की तादाद 6 हो गई। क्रिकेट के बाद हॉकी डिप्लोमेसी, भारतीय टीम अगले साल मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी। और आईसीसी ने वनडे क्रिकेट की ताजा तरीन रैंकिंग कर दी जारी। बॉलर्स पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज पहले और सईद अजमल हैं तीसरे नंबर पर।